हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं P2P ट्रेडिंग के अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में। बेसिकली जिन भी लोगों का अकाउंट इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि बायनांस, ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क पर है, उनको क्रिप्टो में फंड्स डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए P2P का यूज करना पड़ता है। बट कुछ टाइम से P2P पे बढ़ते हुए स्कैम्स P2P ट्रेडिंग में जेन्युइन बायर्स या सेलर्स को फाइंड करना मुश्किल है। Moreover, a lot of people have faced their accounts to be frozen because of P2P trading. इन सारे problems का एक solution है OnRamp Money Platform. इस platform से आप बड़े crypto exchanges पर UPI के through अपने funds deposit कर सकते हैं या फिर crypto को sell करके बहुत easily अपने funds withdraw कर सकते हैं। आज मैं आपको funds withdraw करने का complete process बताऊंगी। शुरू करते हैं इस video को। मैं हूँ Grace and welcome back to our channel. प्ले स्टोर से OnRamp की ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद ऐप को खोलना है और KYC करनी है। विदाउट KYC यू विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट और विड्रॉ एनी फंड्स टू योर अकाउंट। उसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक मेन्यू ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, फिर उस पे जाना है। यहाँ आप अपना नंबर डालोगे और सेंड OTP पे क्लिक करोगे। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर एंटर करना है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको कंप्लीट KYC ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको आधार और पैन कार्ड चाहिए होगा। स्टार्ट KYC ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अपना आधार और पैन नंबर डालकर KYC कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो पेज आएगा उस पे आप अपना डिपॉजिट और विड्रॉ की लिमिट देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी क्रिप्टो सेल करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे नीचे सेंटर में आपको सेल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर अपनी क्रिप्टो आपको सर्च करनी है। यहाँ आपको अब नेटवर्क सिलेक्ट करना है। नेटवर्क में आपकी सबसे कम फीस मैटिक 20, जिसे पॉलीगॉन भी कहते हैं, उस पे लगती है। पॉलीगॉन नेटवर्क सिलेक्ट करके आपको कितनी क्वांटिटी में ये सेल करना है वो एंटर कर देंगे। अब जितनी भी आप क्वांटिटी डालोगे उसके अकॉर्डिंग कितने फंड्स INR में आपको मिलेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। व्यू ब्रेकअप पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सेल करते टाइम आपके क्या OnRamp चार्जेस, TDS, पेमेंट गेटवे फी लगती है। ये सब चेक करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और आप दूसरे पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करनी होगी। एड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है और अकाउंट ऐड कर लेना है। फिर अपना अकाउंट सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं वॉलेट और बायनांस के। वॉलेट पर आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। आज हम बायनांस की बात करेंगे, तो बायनांस के ऑप्शन पर क्लिक कर लो। इसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ जाएंगी, तो इन्हें अच्छे से चेक कर लें। फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपको एक पॉपअप दिखेगा कि जो आपका OnRamp पर अमाउंट होगा वो एक लिमिट तक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 USDT ही होना चाहिए। अगर Binance से ट्रांसफर करते वक्त Binance आपसे कुछ चार्ज कर रहा है तो वो अमाउंट आपको 10 USDT में ही ऐड करके ट्रांसफर करना है, ताकि एग्जैक्टली 10 USDT ही आपके अकाउंट में आ जाए। फिर ओके गॉट इट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैटिक 20 का नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा, जिसे आपको कॉपी करना है। फिर आपको बाइनेंस ऐप खोलनी है। वॉलेट सेक्शन पर जाकर स्पॉट वॉलेट पर जाना है। यहाँ हम USDT की बात कर रहे हैं, तो बाइनेंस पर आपको USDT पर क्लिक करना है। नीचे हमें विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस आपको पेस्ट करना है और नेटवर्क सेक्शन में पॉलीगॉन यानी मैटिक 20 को चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ 10 USDT नहीं डालनी, जो आपके चार्जेस लग रहे हैं वो भी ऐड करके अमाउंट डालना है। फिर आपको विड्रॉल पर क्लिक करना है और डिटेल्स चेक करके कंफर्म पर क्लिक करना है। आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देना है। ये प्रोसेस इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाता है, बट कभी कभी 1 to 2 minutes भी लग सकते हैं। अब जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको यहाँ से कॉपी करनी है। फिर आपको OnRamp पर वापस जाना है और आई हैव सेंट वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके नीचे आई हैव सेंट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपने जो ट्रांजैक्शन आईडी Binance से कॉपी करी थी वो पेस्ट करके क्लेम बटन पर क्लिक करना है।
Now you just have to wait for a while for the transaction verification. Verification होते ही amount आपके account में transfer हो जाएगा और आपको एक pop-up दिख जाएगा। तो ये था पूरा process Binance से amount अपने account में transfer करने का without P2P trading. I hope आपको ये video अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी videos और चाहिए हो तो channel को subscribe कर लें। I will see you soon with another crypto topic. Bye bye.